तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरसीएफ के स्टॉक के बारे में। आरसीएफ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद से अभी अगेन हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हाईर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.95% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 163 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 170, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 185, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी हम ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 190 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 200, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 210 220 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो या तो गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 154 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 149 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 144 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।